एक हम डेरिवेशन प्रूफ दिखाएंगे प्रूफ करके कि कैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो डिराइव हुए एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में आते हैं तो वैसी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे सो दैट यू आर फेमिलियर विद और आपको समझ आ जाए कि हम कैसे बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ओके सो लेट स्टार्ट विथ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कवर करते हैं इन वर्स रिगो के सो पहला होगा हमारा हम पहले लिख देती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए सबसे पहले हम निकालेंगे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का हम वो निकालेंगे डेरिवेटिव तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव डेरीवेटिव अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो आपको याद करने होंगे मतलब याद रखो आप वो बेटर रहेगा मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कि कैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरेवेटिव uh, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ बट ये आपको रिमेम्बर करने के लिए ईजी रहे ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो हर बार आपको प्रूफ करके नि निकालना ना पड़े कि क्या था उसका फॉर्मूला तो याद करने के लिए रहेगा उसके बाद कॉज इनवर्स एक्स का कॉज इनवर्स एक्स का जो होता है हमारा वो बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह ही होता है बस जो डिफरेंस होता है वो होता है माइनस का तो कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन अंडरवूड वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब नेक्स्ट से हमारा टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है फोर्थ हम निकाल रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स का एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं इसको साथ में क्यों लिख रही हूं मैं साइन कॉस को साथ में क्यों लिखा टैन और कॉट को मैं साथ में क्यों लिख रही हूँ क्योंकि जो इनके फॉर्मूलाज होते हैं ना वो बहुत सिमिलर होते हैं एंड जस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द साइन दैट इज इट इट इज आईदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये आप याद रखना कि जो हमारे मैं एक बार लिख देती हूं डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स और द लास्ट वन इज कोसेकनवर्स एक्स ठीक है ये रिमेम्बर करने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ जिससे आपको ईजिली याद हो जाएगा जो हमारे हर इनवर्स रेगो में जहां पे को यूज होगा ना को वाले जो होंगे वो सारे डेरिवेटिव नेगेटिव में होंगे और जो बाकी है वो हमारे पॉजिटिव में होंगे साइन और कॉज का रिलेशन होता है आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से कि जब हम लास्ट नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलस किए तो आपको पता होगा कि साइन और कॉज का ही रिलेशन होता है जैसे कि हमारा होता है साइंसकोथीटा प्लस कॉस्को थीटा इज इक्वल टू वन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज नाइन्टी माइनस थीटा सिमिलरली टेन और कोट uh, एंजेंट में हमारा रिलेशन होता है सेक और को में होता है तो इनके फॉर्मूलाज भी सेम होते हैं टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने देखा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्ता है तो कोट इंजेंट uh, का फॉर्मूला क्या होगा वो होगा बस हमारा माइनस की डिफरेंस uh, होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है सेक इनवर्स एक्स सेकंड इनवर्स एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स मॉड्युलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे एक्स जो होता है वो मॉड्यस होता है मतलब पॉजिटिव ही होगा और हमारे इनवर्स एक्स uh, का फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन मॉड्यूट एक्स स्क् माइनस वन तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं इनवर्स ट्रेगो के जो हमें याद रखना ईजी रहेगा ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर ले अब मैं एक प्रूफ करके आपको दिखा देती हूँ एक का मैं प्रूफ कर देती हूँ आपको हम पहला वाला लेते हैं चलो कि साइन इनवर्स एक्स कर लेंगे ठीक है इसका हम निकालते हैं कि इसका ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ तो हम फंक्शन ले लेते हैं हमारा वाई जो है वो साइन इनवर्स वर्स एक्स के इक्वल है ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव क्या निकालना है हमें हमें बेसिकली डीवाई बाय डी एक्स निकालना है ठीक है अब हम क्या करते हैं ये आप देख सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन एंड एक्स ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है अब आपको इसको निकालना थोड़ा टफ होगा क्या कर सकते हैं हम साइन इनवर्स को इस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स और ये आपका हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना दिखाया था मैंने आपको वैसे ही हमें इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है वाई बाई डी एक्स निकालना है ठीक है अब निकालते हैं अब साइन इक्वल टू एक्स हो गया तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉज वाई उसके बाद हमें साइन वाई का तो हमारा डिफ्रेंसिएशन cos वाई आ गया हमें वाई का भी डे, डेरिवेटिव निकालना विध रिस्पेक्ट टू है तो क्या होगा dy बाय डीएक्स और इस साइड भी हमें अब लिखते हैं बास वाई डीवाई बाई dx और आपको पता ही एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है अब इसका मतलब क्या हुआ हमारा dy बाय डीएक्स आया वन अपॉन कॉस वाय ठीक है वन अपॉन कॉस वाय आ गया अब आप देखो कि आपका आया ये कॉस वाई के टर्म्स में अब आप इसको साइन वाई के टर्म्स में लिख दो क्योंकि आपको हमें साइन इनवर्स का निकालना है तो कोई तरीका है कि हमें कि कॉस वाई को साइन वाई में लिख सकते हैं यस आपको पता होगा कि हमने टेंथ क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन तो क्या है आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस टू वन अब कॉस की आपको कॉस की निकालनी ना साइन के टर्म्स में तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्र वाई इज इक्वल टू वन माइनस साइन वाई ये लिखा अब कॉस स्क्र वाई तो निकल गया अब कॉस वाई क्या हुआ कॉस वाई हुआ आपका अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर वाई अब यही आप इसमें पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में तो क्या आया आपका तो आया आपका कि डी डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई यस अब आप देखो y की वैल्यू क्या थी अब आपको जब डिफ्रेंसिएशन निकालना है आपने देखा था कि हमने इनवर्स के जब स्टैंडर्ड निकाले तो हमने x की टर्म्स में निकाले तो ये तो y की टर्म में है आपको x की टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे हमने सबसे पहले यही कंसिडर किया था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो आप पुट कर दो सीधा यहां पे देखो साइन वाईज इक्वल टू एक्स निकला ना हमारा जो हमने इम्प्लीसिट फंक्शन कंसिडर किया था तो बस लिख दो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन वाइज जो था वो आपको एक्स था तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो आपका क्या आया डिफरेंसिएशन साइन वाई की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स तो आपका डिफरेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या आया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र और यही देखो यही आपका था ऊपर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका ये प्रूव हो गया हमने डिराइव करके देख लिया अब आप जो मैंने ऊपर और पांच टोटल सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज निकाले हैं मैंने इनवर्स एक्के जिससे मैंने एक प्रूफ किया आप बाकी भी प्रूफ करके देख सकते हो सेम प्रोसीजर ही लगाना है और आपका निकल जाएगा ठीक है अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास हमें फाइन करना है डी वाई बाय डी एक्स इन वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडरवूड वन प्लस एक्स स्क्वेर माइनस वन अपॉन एक्स आपको इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करना है डीवाई बाई डीएक्स निकालना है जब आपको वाई गिवन है एंड मैं आपको बता दूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में जो आएंगे ना क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगो के डिफ्रेंसिएशन के वो सारे इसी से रिलेटेड आएंगे कि आपको एक इनवर्स ट्रिगो का एक्सप्रेशन गिवन होगा आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो मैं जो अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स परफॉर्म करूंगी आपको हर क्वेश्चन के लिए वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ठीक है थीके? तो अब देखो आपको वाई गिवन है एक एक्सप्रेशन आपको क्या निकालना है आपको निकालना है डीवाई बाई डीएक्स तो आप क्या कर सकते हो अभी जैसे हमने पीछे किया आप इसको टैन इन को इधर ले जाओ और फिर वो करो बट वो हो जाएगा इससे नो no डाउट होगा लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो बहुत बड़ा है उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक्स था इसमें हमारे पास है तो जरूर ये गिवन है इतना बड़ा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सॉल्व करोगे उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं तो वो बहुत 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 लेंदी प्रोसीजर हो जाता है जो भी हमने पीछे डिराइव करने का निकाला तो जो सिंपलेस्ट अप्रोच होती है ना जो हमारे पास सिंपलेस्ट अप्रोच और बेस्ट अप्रोच जो हो है, हो होती है वो होती है हमारी सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन हमें सब्सिट्यूशन का यूज करना होता है हर हर क्वेश्चन में उसको बेसिकली छोट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बनाने के लिए ताकि उसका डेरिवेटिव निकालना बहुत ज्यादा ईजी हो जाए तो अभी हम बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताई सब्सटीट्यूशन तो आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन को सब्सिट्यूट करना पड़ेगा कैसे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स बताती हूँ या आप नोट भी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में तो यही यूज होंगे और बाकी क्वेश्चन में और तरीके होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी और कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्ट्यूट स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन कुछ मैं आपको स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन बताती हूं तो कुछ स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे गिवन होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का तो क्या करना है तो आपको बस सिंपली क्या करना है आपको एक्स को साइन थीटा पुट करना है क्या पुट करना है साइन थीटा और ये मैं क्यों बता रही हूं वाई यू नीड टू पुट इट एज साइन थीटा क्यों जब आप इसको एक्स को साइन थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा वन माइनस साइंस स्क्वा थीटा और वन माइनस थीटा की आपको आइडेंटिटी पता ही है जब मैंने आपको बताई कि साइंस स्क्वा थीटा प्लस कॉस्कोअ थीटा इज इक्वल टू वन होता है तो वन माइनस थीटा क्या हुआ कॉस्कोअ थीटा तो अंडर रूड कॉस्कोअ थीटा हो गया तो क्या आया थीटा देखो आपकी ये एक्सप्रेशन कॉस् थीटा में कन्वर्ट हो गई तो ऐसे आपको करके ना सारे एक्सप्रेशन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो पहला आपको पता चल गया कि अगर अंडर रूट वन माइनस एक्स तो एक्स को साइन थीटा पुट कर दो ये ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जैसे कि गिवन होता है कॉस स्क्र थीटा होता है इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायेर थीटा एक आपके पास होता है सेक्स स्क्वायर थीटा का वो होता है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा और मतलब इसका क्या मतलब वो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा तो कुछ आपके पास ऐसे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जो आपने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा तो आप बहुत ज्यादा अवेयर हो गए इस चीज से तो एक हमारा हो गया स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन का सेकेंड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अंडरवूड वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन हो ऐसे तो आपको क्या पुट करना है ये देखो क्या करोगे आप वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो कोई फंक्शन नहीं बनता कोई सब्सिट्यूट नहीं हो पाएगा अगर आप वन प्लस टैन स्क्टा ये सेकंड फंक्शन देखो जो मैंने फॉर्मूला निकाला वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा तो एक्स को क्या पुट करना है आपको आपको एक्स को पुट करना है टैन थीटा तो क्या आएगा आपका अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर जो आपका हो जाएगा अंडर रूट जो आपका सेक्स थीटा दे देगा ठीक है एक ये हो गया एक हमारे पास होता है जैसे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन गिवन होगा तो अंडरवुट एक्स स्क्र माइनस वन में क्या पुट करोगे देख के बताओ थर्ड वाला ही आपको पता चल रहा है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा तो आप x को सेक् थीटा पुट कर दोगे तो क्या आएगा अंडरवुट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा तो आपको टेन थीटा दे देगा तो ये कुछ स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन है अगर कुछ और आपके क्वेश्चन में और आएंगे जिससे हम और ज्यादा सब्सटीट्यूट करेंगे बेसिक ये तीन ही है तो अगर तीनों के आए तो आप यही पुट करना तो आपका क्वेश्चन जो है इजिली हो जाएगा सॉल्व तो अभी हम आगे करते हैं इसको सॉल्व तो अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन क्या था आपके पास क्वेश्चन था कि वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स वन अपॉन अंडरवूडन प्लस एक्स स्क् माइनस वन अपॉन एक्स ये आपके पास है आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना है क्या निकालना है डीवाई बाई डीएक्स तो आप देख सकते हो कि आपके पास वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है तो अभी मैंने आपको बताया अगर अंडर रूट वन प्लस एक्सक्र का होता है तो आपको एक्स को टैन थीटा पुट करना है तो करते हैं सब्सिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो और कुछ नहीं करना तो क्या आया वाई इज इक्वल टू टेन इन वर्स अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा ठीक है अब आया वाई इज इक्वल टू टेन इन अब मैंने आपको बताया ही है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा सेक्स स्क्टा और अंडर रूट में स्क्वायर वाला कट जाएगा तो sec थीटा आ जाएगा तो क्या आया sec थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा ठीक है अभी भी हमारा स्टैंडर्ड मतलब और भी इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है अभी हमें इसे और करना पड़ेगा तो क्या करते हैं हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख देते हैं ठीक है तो क्या करेंगे वाई इज इक्वल टू टैन इन वर्स आपको पता है ये सेक्स थीटा जो होता है वो वन अपॉन कॉस थीटा होता है तो पुट कर दो वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन और टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होगा अब नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू टैन इन वर्स अब आपने पुट किया तो क्या आया ऊपर वन माइनस थीटा अपॉन कॉस्थीटा एलसीएम लिया और नीचे है साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस् थीटा से थीटा कट गया तो क्या आया टेन इनवर्स वन माइनस कॉस् थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया तो इसको हमें और सिंपलेस करना पड़ेगा तो अब आप देखो वन माइनस थीटा वन माइनस थीटा से आप कोई आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है आपके हमने तो स्क्वायर वाली पढ़ी याद करो इलेवंथ स्टैंडर्ड में हमने हाफ एंगल वाली कुछ फार्मूलाज पढ़े थे वो हाफ एंगल वाले फार्मूलाज हमारे अब लगेंगे तो मैं एक हाफ एंगल वाले फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ आपको याद होगा कि हमारे पास हाफ एंगल वाले फार्मूला होते थे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती थी वो होती थी टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाय टू एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास इलेवंथ में होता था हाफ एंगल का हाफ एंगल के कुछ फार्मूलाज हैं ये हाफ एंगल के फॉर्मूला में सेकंड होता था हमारे पास थीटा का माइनस वन एक ये होता था फॉर्मूलाज थे एक और ऐसे था. था हमारे, हमारे पास कुछ हाफ एंगल्स के फार्मूलाज थे ठीक है अब अगर हम यही पुट करें इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला तो अब देखो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या वन माइनस कॉस् थीटा अपॉन साइन थीटा तो y को हम पुट कर सकते हैं हम वन माइनस कॉस्थीटा को कैसे पुट कर सकते हैं वन माइनस कॉस्थीटा को हम पुट कर सकते हैं ना ये वाला फॉर्मूला वन माइनस टू साइन थी टू ठीक है तो ये पुट करते हैं तो क्या आया हमारे पास वन माइनस कॉस्थीटा में हमने पुट करना है अब ये देखो इजी में बताती हूँ ये आपका आया कॉस्टाज वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा एंगल का होता है ये फॉर्मूला तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना कॉस्थीटा को इधर ले जाओ साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू को इधर ले जाओ तो क्या होगा आपका कि टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस् थीटा तो अब पुट कर दो वन माइनस कॉस्टा की जगह पुट कर दिया हमने टू साइन स्क्वाय थीटा बाई टू ये हुआ हमारा न्यूमिरेटर अब साइन थीटा साइन थीटा को भी हम हाफ एंगल में कर देते हैं ताकि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर कट जाए तो हम साइन थीटा को ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं ना टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू तो लिख दो टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू तो ये हमारा आया हाफ एंगल में तो देखो टू से टू कैंसिल हो रहा है टू से टू कैंसिल किया ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय टू है नीचे साइन थीटा बाय टू है तो एक हट जाएगा साइन थीटा बाय टू स्क्वायर हट गया तो क्या आया आपके पास साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन तो लिख दो सिंपली वाई इज इक्वल टू टेन इन वर्स थीटा बाय टू और ये क्या निकला आपका ये निकला आपका थीटा बाय टू टेन इनवर्स वर्ष हट गया तो y इज इक्वल टू थीटा बायू अब देखो कितना सिंपल हो गया आपका एक्सप्रेशन पहले क्या था और अब क्या हुआ तो अब आपका क्या एक्सप्रेशन आया वाई इज इक्वल टू थीटा बाय टू अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना x के टर्म में करना है तो वेरिएबल क्या आपका है आपका x होना चाहिए बट क्या है अभी थीटा तो अब आपको थीटा को x के टर्म में करना है अभी आप देख के लिए लेट किया था हमने क्या लेट किया था हमने लेट किया था कि x इज इक्वल टू टेन थीटा तो अगर हम x इज इक्वल टू टैन थीटा है तो ऑब्वियसली थीटा जो होगा वो टेन इनवर्स x होगा तो अब हमें गिवन है कि y जो है वो थीटा बाय टू है अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला तो थीटा बाय टू की जगह हम टेन इनवर्स बाय एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं अब हम इसका डीवाई बाय डी एक्स करेंगे तो डीवाई बाय डी एक्स होगा हमारा हाफ और टेन इनवर्स का जो मैंने बेसिक फॉर्मूलाज आपको कुछ बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के तो उसमें मैंने बताया tan x था टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो बस हम वही पुट कर देंगे हाफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर सो आई होप आपको क्लियर हो जैसे अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन समझे वही हमें हर क्वेश्चन में यूज करने हैं एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फार्मूलाज की मैंने लिस्ट बनाई है इस चैप्टर की जितने भी फार्मूलाज है वो यूज हो रहे हैं वो मैंने एक लिस्ट बना दी है उसमें और एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल आपके लिए अगर आपको देखना हो तो कि एक ही form, एक ही लिस्ट में सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो यूज हो रहे हैं वो होंगे तो दिस इज इट फॉर द वीडियो प्लीज डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैव एन डन इट यर एंड लाइक द वीडियो थैंक यू